बिना लक्ष्य का जीवन, बिना ध्येय का जीवन बेकार है। जिसके जीवन में कोई बड़ा कर्तव्य ही सामने नहीं है, कोई बड़ा गंतव्य सामने नहीं है, कोई लक्ष्य, कोई ध्येय सामने नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, वो करेगा क्या? कुछ लोग तो लक्ष्य निर्धारित ही नहीं कर पाते हैं। इनके लिए बोला जाता है बेपेंदी के लोटे की तरह लुढ़कते रहते हैं। कुछ लोग लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए एक एक कदम हमें आगे बढ़ना पड़ता है। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए पहले कुछ छोटे लक्ष्य पाने पड़ते हैं। अब किसी को 1,00,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर की कोई कंपनी बनानी है, तो ऐसे एक दिन में तो 1,00,000 करोड़ की कंपनी तैयार नहीं हो जाएगी। हो सकता है पहले वर्ष उसको 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो, अगले वर्ष हो सकता है वो 5-10 करोड़ कर ले, 10 गुना भी बढ़ जाए। हो सकता है अगले वर्ष वो 10 करोड़ से 100 करोड़ हो जाए, 100 करोड़ से फिर 500,000 करोड़ हो जाए। यदि पहले से कोई बहुत उसने तपस्या की हुई है, उसके पास बौद्धिक बल, आत्मिक बल, सामाजिक बल, आर्थिक बल, राजनैतिक बल, आध्यात्मिक बल, सेवा बल बहुत अधिक है, तो वो जल्दी भी इस लक्ष्य को पा सकता है। लेकिन एक क्रम है, एक चरणबद्ध यात्रा होती है, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद दूसरे सीढ़ी पर हमें आरोहण पाना होता है। देखो, एक बड़े लक्ष्य को पाने के लिए ये साधन है, हेल्दी बॉडी होनी चाहिए आपकी, शार्प माइंड होना चाहिए, इनोवेटिव, क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए आपका, बात स्किलफुल होना चाहिए आपको। जिसके पास हेल्दी बॉडी नहीं है, वो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता, कितना बड़ा कोई टारगेट बना ले। इसलिए सबसे पहले हेल्दी बॉडी ये चाहिए ही चाहिए आपको, ये साधन है। हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड होगा, उसमें हेल्दी थॉट्स आएंगे, उससे हेल्दी इमोशंस आएंगे, उससे हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्पेरस, पीसफुल लाइफ होगी, हैप्पीनेस होगी। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियजय, इंद्रियजयस्य मूलम विनय, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। ये क्रम है जीवन का। जिसके जीवन में कोई अर्थ नहीं होता, वहां अनर्थ होता है, दरिद्रता होती है, और दरिद्रता न धर्म है, न अध्यात्म है, न जीवन है। दरिद्र व्यक्ति कुछ भी नहीं अचीव कर सकता, इसलिए दरिद्रता किसी के जीवन में नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो अर्थ स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए।